हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देख रहे हैं एनसीपी, जो कि लेग फ्रैक्चर का ये टॉपिक है। इसमें तो फ्रैक्चर हो गया है लेग में, चाहे वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ या फिर गिरने की वजह से, कोई भी इंजरी से ये हो सकता है फ्रैक्चर। आप ये नर्सिंग फाउंडेशन में भी बना सकते हो, ठीक है, साथ में एमएस के सब्जेक्ट में बना सकते हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अपने, उसमें भी बन जाएगा ये आपका। तो अब हम आगे देखते हैं इसको। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा इसमें सबसे पहले लिखा गया है। पेशेंट का नेम है, ठीक है, एज है, मेल है, फिर एड्रेस, ऑक्यूपेशन उनका लिखना है, ऑक्यूपेशन और एजुकेशन। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस पेशेंट का लिखना है आपको, और फिर इसी तरह से उनका रिलीजन, वार्ड कौन सा डॉक्टर देख रहा है, एडमिशन कब हुई है, डेट यहाँ चेंज कर देना, बेड नंबर, डायग्नोसिस। नेक्स्ट है पेशेंट का जैसे डायग्नोस आप लिखोगे ना, तो ये भी लिखना है आपको कि कौन सी लेग में फ्रैक्चर हुआ है। अगर पेशेंट का सर्जरी भी हुआ है तो सर्जरी भी साथ साथ लिख देना है आपको। पेशेंट के चीफ कंप्लेंट्स पूछ करके लिख लेना है क्या क्या प्रॉब्लम उनको है। तो पेशेंट जैसे एडमिट हुआ है तो उनको पेन है, इंजर्ड जो लेग है उनकी, इंजर्ड टिश्यू में वहाँ पर पेन है, कब से है, वॉक करने में डिफ़िकल्टी है, नॉट एबल टू वॉक, डिस्टर्बेंस है स्लीपिंग में क्योंकि दर्द होती होगी, और वीकनेस भी आ गई है बॉडी में, तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। उस तरह से पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की सारी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आता है। हाइजीन है तो ओवरऑल बॉडी हाइजीन के बारे में लिखना है। एलिमिनेशन पेशेंट का यूरिनरी एंड बाउल फ्रिक्वेंसी, यानी कि यूरिन कितनी बार जा रहे हैं वो, बाउल मूवमेंट ठीक है या नहीं है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई प्रॉब्लम या डायरिया जैसी कोई प्रॉब्लम, तो ये सारा। स्लीप पैटर्न कितनी टाइम सो रहे हैं, एक दिन में कितने घंटे वो सो जाता है पेशेंट हमारा। पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं यहाँ पे आगे, कब से प्रॉब्लम है, तो दो दिन हो गए हैं फ्रैक्चर हुए हुए। फिर नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री, तो इसमें तो ये तो आप आराम से लिख लोगे, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली होती है, छोटी फैमिली जो होती है उसको न्यूक्लियर कहते हैं, जॉइंट फैमिली यानी कि जो जिसकी दादा दादी भी होते हैं घर में, ताया चाचा, तो उस तरह से ये पूरी फैमिली के बारे में लिख दिया, उनके नेम और पेशेंट के साथ रिलेशन क्या है। पेशेंट, ये हमारा पेशेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये आपका या तो कह लो इसको पेडिग्री चार्ट या कह लो इसको फैमिली ट्री। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री इसमें लिख दी गई है, आपने भी अपने पेशेंट की फैमिली से पूछ करके सारा लिखना है, मंथली इनकम, एनुअल इनकम जो भी बनती है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर एनवायरमेंटल हिस्ट्री, तो कम्युनिटी कैसी है उनकी, हाउस फैसिलिटी कैसी है, टाइप ऑफ हाउस कैसा है, तो कॉन्क्रीट है, और वेंटिलेशन का सोर्स क्या है, कैसे मतलब दरवाजे खिड़कियाँ वो सब कुछ आएगा इसके अंडर, लाइट सप्लाई कैसे है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है वहाँ पे, और टॉयलेट फैसिलिटी, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, यानी कि पास में कोई जो भी मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे नोट करना होता है। फिर है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट में प्रीवियसली पेशेंट को कोई हिस्ट्री रही हो मेडिकली या सर्जिकली, तो वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो ये मेडिकल हिस्ट्री का पूछा गया है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही कोई सर्जिकल हिस्ट्री थी पेशेंट की। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं, यानी कि हेड टू टो एग्जामिनेशन, जिसमें कि सबसे पहले पेशेंट का जर्नल अपीयरेंस नोट किया जाता है। तो ये आ गया पूरा का पूरा जर्नल अपीयरेंस। फिर उसके बाद पेशेंट का मेंटल स्टेटस आपको देखना है, पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस है, ऑरिएंटेशन कैसा है, उसकी मेमोरी कैसी है, बातचीत करके आपको पता लगेगा, उसका कंसंट्रेशन कैसा है, ढंग से आपकी बातों पे कंसंट्रेट कर रहा है या फिर डिस्टर्ब है, कन्फ्यूज है, ये सब कुछ इसमें आएगा। स्किन की कंडीशन देख लेनी है पेशेंट की, हेयर देख लेने हैं, हेयर का कैसा है, टेक्सचर, ग्रूमिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैल्प वगैरह चेक करना है, कुछ कोई प्रॉब्लम है, लाइसिस दिख रही है आपको, पेडिकुलोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है हेड, फिर उसी तरह से आइज, आइज के जो पार्ट होते हैं वो, फिर नेक्स्ट ईयर्स, तो इसी तरह कॉन्टिन्यूशन में जितना भी हेड टू एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं वो सब हम लिखेंगे। माउथ एंड फेरिंग्स, ये सारी चीज़ ज़्यादातर नॉर्मली आएंगी हमारे पेशेंट के जो टांग में है, मेन प्रॉब्लम तो फ्रैक्चर हो गया है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ पे फोकस करना है, यानी कि कॉन्टिन्यूशन में ही चल रहा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मेन चीज़ ये आ गई है हमारी फिज़िकल एग्जामिनेशन की, जो मेन चीज़ है वो ये है, अपर एक्सट्रीमिटी ठीक है उसकी, मूवेबल है, लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या हो गया है कि फ्रैक्चर है, इंजरी है,
तो वो इमोबल हो चुकी है, यानी कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए उसमें। उस तरह से जेनिटल एरिया, बाउल एंड रेक्टम, ये सारा कुछ एग्जामिनेशन होगा पेशेंट का। सिमेट्रिकल एग्जामिनेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा हार्ट आ जाता है, वहाँ बीपी कैसा है पेशेंट का, हार्ट रेट कैसी है, कोई अडीमा तो नहीं है। जीआई सिस्टम के अंदर आपका, आपको पता ही है, स्टमक और इंटेस्टाइन सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी। नर्वस सिस्टम में पेशेंट का जो ओरिएंटेशन और कॉन्शियसनेस होता है वो आता है। सेंसरी में सेंसेशन से रिलेटेड, फिर फाइंडिंग्स, पेशेंट का वाइटल्स नोट कर लेना है और सिम्टम्स देख लेने हैं क्या क्या सिम्टम्स हैं। इन्वेस्टिगेशन, ये सारा फाइंडिंग्स के अंदर आ गया ना, तो जितने भी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई है, रेडियोलॉजी, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पेशेंट का एचबी हुआ है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, सब कुछ चेक किया गया है। ब्लड शुगर रैंडम लिखा गया है ये, फिर ब्लड ग्रुपिंग हुई है, WBC, RH फैक्टर, यूरिक एसिड, प्लेटलेट, HIV। ट्रीटमेंट में पेशेंट को जो भी मेडिसिन चली है वो लिखनी है, जैसे कि पेशेंट को एक एंटीबायोटिक है, ये H2 ब्लॉकर होती है रेंटिडिन, जो एसिडिटी को रिड्यूस करती है, ठीक है। पेन की प्रॉब्लम रहेगी तो एक आपको अनाल जैसे कि यहाँ पे ऐड कर लो, चाहे तो जो वॉवरॉन होता है या डिक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है, डिक्लोफेनिक सोडियम, वो आप यहाँ पर लिख लेना, 75 mg का, 3 ml में आता है, तो ये आपको नोट करना है। बाकी ये सारे तो एंटीबायोटिक ही हैं। नर्सिंग असेसमेंट, असेसमेंट करेंगे पेशेंट की अब हम लोग, जैसे कि क्या होगा असेसमेंट में। सबसे पहले हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं और वाइटल्स नोट करते हैं, तो इस तरह से आपको कंप्लीट असेसमेंट कर लेना है पेशेंट का, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करके, फिज़िकल एग्जामिनेशन करके, यही यहाँ पे बताया गया है। तो अब हम मेन चीज़ पे आ गए हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फ्रैक्चर वाला पेशेंट है, लेग में फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके लिए क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनने चाहिए। तो इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो आप पहला जो बनाना है आपको ये बनाना, पहला उल्टे सीधे नहीं करना है इसमें कि पहले कोई सा लिख दिया फिर कोई सा, प्रायोरिटी वाइज ही आपको नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने हैं। तो सबसे पहले पेन का होगा, क्योंकि उसको इंजरी हुई है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है फ्रैक्चर में। पेन रिलेटेड टू द इंजरी एंड टिश्यू ट्रॉमा एज एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेन स्केल। पेन स्केल में उसकी फेशियल एक्सप्रेशन देखे हमने, ये देखा कि भाई बहुत दर्द है, तो पेशेंट का पहला ये नर्सिंग डायग्नोसिस बन गया। फिर आप ये बना सकते हो दूसरे वाला कि उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। आपको भी जैसे अपने घर से कहीं बाहर हम जाते हैं तो नींद नहीं आती है, बल्कि किसी के घर में तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल जैसी जगह में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहती है, दिन रात वहाँ काम लगा रहता है, तो ये एक चीज़ हो गई इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस में आपकी। और बाकी पेन तो पेशेंट को है ही, तो इस वजह से वो सो नहीं पा रहा है। इसमें ये लिखा है एज एविडेंस बाय पेशेंट वर्बलाइजेशन एंड रेडनेस, क्योंकि जब सोते नहीं तो आँखें लाल लाल सी हो जाती है, नींद जब पूरी नहीं होती है, तो ये एक सबूत के तौर पे होता है। एज एविडेंस जहाँ लग जाए ना, ये देखो एज एविडेंस, तो ये सबूत कहते हैं इसे, कि क्या प्रूफ है कि आपको पता लगा कि पेशेंट का स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, तो वह ये है कि आंखें लाल हैं और पेशेंट कह रहा है। फिर आप देखो नेक्स्ट, ये देखो फिर ऊपर नीचे हो गए हैं, ये आपको सबसे नीचे लाना है। ये तीसरे नंबर का आप ये बना लो, ठीक है। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू लिम्ब इमोबिलाइजेशन एज एविडेंस बाय डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल। तो पेशेंट का चलना फिरना काफ़ी वो हो गया, रुक गया है, क्योंकि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर लग जाता है ना, वो लगाते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो अब वो मोबिलाइज तो कर ही नहीं पा रहा है, इसलिए उसकी फिजिकल जो मोबिलिटी थी, चलना फिरना था, वो अब नहीं हो रहा है। तो उसकी एज एविडेंस बाय डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल, तो ये फिर इसमें वही चीज़ आ गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। फिर आप बना सकते हो रिस्क ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन रिलेटेड टू इंसीजन और वुंड एट द फ्रैक्चर साइट। तो ये हो गया रिस्क फॉर इन्फेक्शन भी बिल्कुल पेशेंट को बनेगा, क्योंकि उसको चोट लगी और उसी जगह पे फिर कुछ इंसीजन वगैरह दिया हो या उसका पार्ट में कुछ किया हो, तो फिर वुंड की वजह से अगर वो इन्फेक्टेड होता है तो फिर इन्फेक्शन का रिस्क बन जाता है। लास्ट में आप ये वाला पाँचवा डायग्नोस बना सकते हो नॉलेज डेफिसिट का। तो नॉलेज डेफिसिट है पेशेंट को अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसे यानी कि
ट्रीटमेंट का नहीं पता है क्या आगे होने वाला है, तो वो चीज़ें इसके अंडर आएंगी और आपको उसको समझाना है। अब देख लीजिए गोल, तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो पेशेंट का क्या करना है कि मेंटेन द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, रिड्यूस पेन, रिड्यूस पेन, ये दो बार हो गया है। तो शॉर्ट टर्म गोल तो हमारा ये है कि अभी तो उसको दर्द ठीक करना है, और लॉन्ग टर्म गोल में उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक हमको पेशेंट से चाहिए ट्रीटमेंट्स देने के बाद में, और प्रोवाइड एनर्जी रिच फूड टू द पेशेंट। वन बाय वन करके हमने अपने सारे डायग्नोसिस को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले असेसमेंट होता है पेशेंट का, जिसमें कि पेशेंट जो बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा है, और जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। पेन का डायग्नोसिस है ये, उसका गोल है प्लान इम्प्लीमेंटेशन रैशनल इवेलुएशन। आपका जो प्लान होता है उसका क्या मतलब है वही रैशनल होता है। इवेलुएशन लास्ट में, सबसे लास्ट में होता है कि क्या आउटपुट आपको मिला, पूरी केयर प्रोवाइड कर दी आपने पेशेंट को, क्या उसका दर्द उससे कम हुआ भी या नहीं हुआ, या और तो नहीं बढ़ गया कहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर ये देखिए, ये है आपका कॉन्स्टिपेशन रेट डिक्रीज, डाइट्री इनटेक, ये भी ठीक है, ये डायग्नोस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि पेशेंट का चलना फिरना भी नहीं हो रहा है, मूवमेंट है नहीं, और उससे क्या हो गया है कॉन्स्टिपेशन, ये एक डायग्नोस बन सकता है बिल्कुल। इसमें भी वही सेम है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा असेसमेंट में करना है आपको, गोल बनाना है कि पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है, प्लान आपका होना चाहिए, प्लान को इम्प्लीमेंट आपको करना है, और जो भी आपका प्लान इंटरवेंशन है उसका क्या रैशनल बनता है वो लिखना है, और इवेलुएट करना है कि पेशेंट का जो बाउल मूवमेंट है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो रिड्यूस हुई या नहीं हुई है, ये हम इसमें चेक करेंगे, लिखेंगे यानी कि। फिर जो आपका नेक्स्ट डायग्नोस है वो देखिए, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी का डायग्नोस आ गया है आपका। तो इसको भी हम उसी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे पूरा का पूरा, यानी कि पेशेंट की जो मोबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखिए इसमें तीन डायग्नोस तो बना लिए हैं, तीन डायग्नोस बहुत होते हैं वैसे तो, लेकिन आप चाहो तो पांच भी बना सकते हो। इसमें आप रिस्क फॉर इन्फेक्शन का भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और नॉलेज डेफिसिट का लिख सकते हो, एंग्जाइटी का लिख सकते हो, स्लीप डिस्टर्बेंस का बना सकते हो, पर तीन डायग्नोस हैं, पाँच आपको एनलिस्ट करने होते हैं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है, पाँच एनलिस्ट करने होते हैं और तीन आपको एक्सप्लेन करने होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रोसेस बना करके। तो हेल्थ एजुकेशन में पेशेंट को हेडिंग्स में बना लो, चाहे आप पॉइंट्स पॉइंट्स में भी लिख सकते हो इस तरह से, या फिर हेडिंग भी बना सकते हो, डाइट के बारे में बता दिया और हाइजीन के बारे में पेशेंट को बता दिया, फिर मेडिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। हेल्थ एजुकेशन सबसे इजी काम होता है, बस आपको बताना है कि भाई कैसे अपना ध्यान रखना है, घर में अब जाओगे तो क्या क्या करना है, अपना कैसे इन्फेक्शन से आप प्रिवेंट कर सकते हो, ये आपको बताना है उन्हें। तो ये सारा हेल्थ एजुकेशन के अंडर में आ गया है। होम केयर के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है कि घर में कैसे कैसे आप केयर करना है, आपको कैसे वुंड को क्लीन करना है, हाथ धोने अच्छे से ताकि इन्फेक्शन ना हो, हैंड वॉशिंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। दोस्तों ये एनसीपी हो गया ख़त्म आपका, आपको उससे हेल्प हो जाएगी बनाने में, ठीक है, और मुझे कमेंट आप कर देना कुछ आपको समझ में नहीं आया तो। थैंक यू।